हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन बॉडी 20 में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने वाले हैं हम कि जो कल आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, हिंदी में 5 मार्क्स का एक आवेदन पत्र पूछता है। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट आवेदन पत्र के बारे में जानेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा, अपने प्रधानाचार्य के पास 2 दिनों के छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखें। ये जैसे आवेदन पत्र लिखा जाएगा वैसे ही दूसरा कुछ भी, दूसरा कोई इसके जगह पर प्रधानाचार्य के जगह पर दूसरा कुछ हो सकता है। आवेदन कैसे लिखा जाता है, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। देखिए कि आप लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले सेवा में आप जैसे लिखा गया वैसे ही आप लोग को एग्ज़ाम में जाकर लिखना है। ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, आप स्कूल नेम है, आप लोग स्कूल का नेम डाल सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विषय यानी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र यानी 2 दिनों की छुट्टी लेने के संबंध में आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है महाशय, उसके बाद नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, निवेदन है कि मैं आपका विद्यालय के कक्षा 9वीं यानी 9वीं या 10वीं आप लोग जो लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं, 9वीं का छात्र हूँ, मेरी बहन की शादी होने वाली है, इसलिए मैं दिनांक इतना, आप लोग दिनांक लिख सकते हैं, 2 दिन का अंतर में लिखना है तो 2 दिन का अंतर में लिख कर इतना तक 2 दिनों के लिए अवकाश लेना चाहता हूँ यानी छुट्टी लेना चाहता हूँ। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिनों की अवकाश प्रदान करें। उसके बाद यहाँ पे आप लोग डेट लिख सकते हैं यानी दिनांक लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं परीक्षा, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं परीक्षा भवन। चलिए फिर इसको हम रिपीट करते हैं, आप लोग कैसे एग्जाम में लिखेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखते हैं हम लोग पहले। देखिए, आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, अपने प्रधानाचार्य के पास 2 पत्र यानी 2 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखें, तो आप लोग कैसे लिखेगा, सेवा में प्रधानाचार्य, देखिए सेवा में लिखने के बाद वहाँ पे कॉमा, उसके नीचे फिर का पैराग्राफ चेंज करके लिखिए प्रधानाचार्य महोदय यानी प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद स्कूल ने, उसके बाद विषय यानी आप लोग का विषय क्या है, तो विषय क्या चीज़ के बारे में बोलना है, तो 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद फिर आपको नीचे आना है तो लिखना है महाशय, उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज तो लिखना है निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं या 10वीं का छात्र हूँ, मेरी बहन की शादी होने वाली है, इसलिए मैं दिनांक इतना से इतना तक 2 दिनों के लिए अवकाश चाहता हूँ यानी छुट्टी लेना चाहता हूँ। उसके बाद आप लोग फिर पैराग्राफ चेंज करके, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिनों के अवकाश प्रदान करें। आप लोग यहाँ पे दिनांक लिख सकते हैं और यहाँ पे ऊपर आप लोग लिख सकते हैं परीक्षा भवन यानी परीक्षा हॉल, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं परीक्षा हॉल। फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।